हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइस वीडियो के टाइटल और थंबनेल ने आपको बता दिया होगा कि हमने अपनी वर्टस की सर्विस करवाई है। तो ये इंट्रो तो मैं घर पे बैठ के ले रहा हूँ आराम से, लेकिन सर्विस जो है वो हो चुकी है। ये इंट्रो बाद में ले रहा हूँ एडिटिंग के टाइम पे, तो आप इन्जॉय करो भाई। ये इसकी 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस है, जिसमें इसका एयर फिल्टर भी चेंज होता है। पिछली बार एयर फिल्टर चेंज नहीं हुआ था भाई, इसका हवा मार दी थी। एसी फिल्टर भी शायद इसका दूसरी बार चेंज हो रहा है, मेरे को ध्यान नहीं। 30,000 वाली ये सर्विस है। क्या कॉस्टिंग आई, कौन सा इंजन ऑयल लिया, सारी चीज़ जो है इस वीडियो में आ गया, आप इन्जॉय कर ही लोगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 30,000 किलोमीटर वाली है, और जब 30,000 मतलब 29,500 या 29,000 पे ही ना इसने इंडिकेशन देने शुरू कर दिए थे कि इसको सर्विस की जरूरत है भाई। एवरेज देनी बंद कर दी थी इस गाड़ी ने। एवरेज ये देती थी 7 की 8 की, हाईवे पे भी मैं इसको बढ़िया चला रहा था ना तो भी हद मार के 13-14 की देती थी, क्योंकि ऑयल बिल्कुल काला पड़ गया था भाई इसका। तो ये है भाई VW की जो गाड़ियां इंडिकेशन दे देती हैं, बाकी वो जो इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आता है कि सर्विस ड्यू है वो भी आ ही गया था। तो मैंने अब की बार जो है थोड़ा चेंज करवाया है, इंजन ऑयल जो है बहुत तगड़ा डलवाया है, वो आप लोग आगे वीडियो में एंजॉय करोगे। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लेता, आपको वीडियो एंजॉय करवाता हूं। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। वीडियो में बने रहें, आपको मजा आएगा। चलो डायरेक्ट इंजन ऑयल की दुकान पे। तो गाइस इंजन ऑयल ले लिया हमने यहां से सियारा मोटर से। ये रहा कॉन्टेक्ट नंबर, आप कॉन्टेक्ट करो और यहाँ पे अंकल मिलेंगे या फिर पूरा भाई मिलेगा, आपको ऑयल मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 30135, 30,135 किलोमीटर। और भाई अब इसने सर्विस मांग ली है, अब ये कह रही है यज्ञ सर्विस करा दे, नहीं तो देख ले दिक्कत है भाई तेरे को। मेरे को कुछ नहीं है, मैं तो हो जाऊंगी बंद होना होगा तो, लेकिन दिक्कत तेरे को हो जाएगी, यज्ञ सर्विस करा दे मेरी। मैंने कहा ठीक है बेटा, सब तू कह रही है सर्विस करवानी है तो तेरी करवा देते हैं भाई। तो भाई 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस जो है आज इसकी होने वाली है। अब जैसा कि आपको पता है हम रिचुअल्स फॉलो करते आ रहे हैं, हमारी परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन है कि भाई हम जो इंजन ऑयल है ना वो बाहर से ही लेते हैं। और जो मेरे भाई है ना, मेरे दो भाई हैं, एक रोहन भाई है एक प्रथम भाई है, मैंने उनको भी अपनी श्रेणी में ले आया हूँ। मैं उनको भी इंजन ऑयल बाहर से ही दिलवाता हूँ भाई। अभी क्या कहते हैं, हम ना स्कॉर्पियो के टाइम पे हमेशा भूल जाते हैं। मेरी स्कॉर्पियो नहीं, मेरी क्लासिक में तो मैंने डलवा लिया शेल का तो, लेकिन जो रोहन भाई है ना उनकी स्कॉर्पियो के टाइम पे मैं हमेशा भूल जाता हूँ। अब की बार जब उसकी सर्विस आएगी ना 40,000 चल जाएगी भाई वो गाड़ी भी, मैं जो पानी कितना चला रहे हैं वो भी। तो भाई 40,000 पे उसमें डलवाऊंगा शेल 540। अभी पुरू के एंडेवर की कराई थी, उसमें भी शेल 540, मेरी नोवा में शेल 540, मेरी स्कॉर्पियो में शेल 540। अब जैसे कि वर्टस की बारी है, तो वर्टस में भाई मैंने 0W20 ग्रेड डलता है इसमें। अभी मैं आपको ये ग्रेड का मतलब समझाता हूँ क्या होता है। देखो जैसे कि है 0W20, ठीक है, तो W को देखो, W स्टैंड्स फॉर विंटर, मतलब कि सर्दियाँ। तो विंटर में जो ये जीरो है ना, W से पहले वाला जो डिजिट होता है वो विंटर में इतने टेम्परेचर तक अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, मतलब कि जैसे जीरो है ना तो 0 डिग्री तक भी वो काम कर सकता है। अब जैसे 5 आता है तो ये 5 डिग्री तक काम कर सकता है, 10 होता है ये 10 डिग्री तक काम कर सकता है। और जो W के बाद वाला डिजिट होता है जैसे कि 0W20, तो जैसे कि W के बाद हुआ 20 होता है गर्मियों के लिए, ये समर को रिप्रेजेंट करता है कि ये इतने डिग्री तक काम कर सकता है। लेकिन मेरे को ये 20 वाला फंडा थोड़ा सा कम समझ आया है कि यार 20 डिग्री टेम्परेचर 34 तो अभी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए डीजल गाड़ियां, आपने देखा होगा डीजल गाड़ियों के इंजन बड़े होते हैं ना, और डीजल इंजन बड़े होते हैं जैसे इनोवा है, स्कॉर्पियो है, एंडेवर है, तो इन सब गाड़ियों के ना इंजन बड़े होते हैं। तो इनमें जो है बाद वाला डिजिट आपने हमेशा देखा होगा कि बड़ा होता है, जैसे 540 डलवाया मैंने अपने इनोवा में, तो 540 बड़ा ग्रेड है, तो 40 मतलब ऐसे बड़ा वो डलवाया। तो जितने भी मेरे भाई श्रेणी में मेरी आते हैं मैं उन सबको यहाँ पे ले जाता हूँ और अपना वो क्या कहते हैं इंजन ऑयल बदलवा देता हूँ। देखो भाई चीज़ ये है कि अगर जेनुअन काम करवाना है तो भाई आपको ये चीज़ तो लेनी पड़ेगी। अब मैंने इससे पहले लिक्विड मोली का डलवाया तो वो भी मेरे को 6,000 रुपये का पड़ा था, ये कैस्ट्रोल का भी 6,000 रुपये का ही पड़ा है। तो मैंने अब की बार कैस्ट्रोल ट्राई करा, तो जो पूरा भाई हैं उनको खुद भी गाड़ियों का बहुत शौक है, वो भी रैपिड ऑन करते हैं। तुमने मेरे को बोला भाई ये डलवाओ, अगर ना मजा आए तो बात करना मेरे से। मैंने कहा ठीक है जी ये डलवा लेते हैं। ये देखो ऑयल चेंज एंड सर्विस इंस्पेक्शन, ड्यू, आवाज हो जाएगी तेरी सर्विस ड्यू कंप्लीट। चलो
एंजॉय कर ही रहे होगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेन सवाल सारे भाइयों का रहता है कि यज्ञ भाई पैसे कैसे कमाएं, पैसे कमाने हैं, ये लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना है हमको भी, तो उसके लिए गाइस मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूं, मैंने अपना खुद का एक टेलीग्राम का चैनल बनाया है, वहां पे मैं आपको डे बाय डे एडवाइस करता हूं, वहां पे मैं आपको सीक्रेट्स बताता हूं जिस तरीकों से मैं पैसे कमाता हूं, जिस तरीकों से मैं अपना लाइफस्टाइल एंजॉय करता हूं, उसी तरीकों से वहां पे मैं अपनी सीक्रेट टिप्स बताता हूं टेलीग्राम के चैनल पे। आप लोगों के लिए गुड न्यूज कि ये हमारे जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं उन सभी के लिए फ्री है, तो देरी किस बात की गाइस, जल्दी से पिन कमेंट चेक करो, उसमें मैंने लिंक डाल रखा है, और जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का उसमें भी मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, तो जाइए और ज्वाइन करिए टेलीग्राम के चैनल को। हम वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। भाइयों VW से तो निकल चुका हूँ, ये देख लो 7:01, अब इसकी जरा व्हील बैलेंस अलाइनमेंट और करा लूँ, एक ही वीडियो में सब कुछ कर देंगे भाई, क्या फालतू में वीडियो खींचनी इतनी सारी। यहाँ से मैंने कराया नहीं क्योंकि यहाँ पे महंगा कर रहे थे, तो मैं यहाँ बाहर से करा लेता हूँ, वो क्या कहते हैं व्हील बैलेंस अलाइनमेंट, दोनों चीज़ें हो जाएंगी, जैसे ही निकलोगे ना यहाँ से तुरंत आपके लेफ्ट में ही है, रोटेशन भी करा लूँगा पीछे के आगे आगे के पीछे। अभी तो भगा भूगो के देखता हूँ गाइस, अभी तो मैंने भगाई भूगी कुछ भी नहीं है, अभी तो देखो रास्ता ही आप ऐसा सा हो रहा है। बाकी गाइस अपना 6,000 रुपये का तो इंजन ऑयल था, वो तो आपको पता ही है, और बाकी ये जो हुई है, ये हुई है 4707 की, ठीक है जी। अभी ज़रा यहाँ पे लगाते हैं गाड़ी, सरदार जी की दुकान कौन सी है, सरदार जी की ये है शायद, है ना। तो गाइस देखा आपने, हमने सर्विस करवा ली भाई गाड़ी की, मैंने व्हील बैलेंस अलाइनमेंट सब कुछ करवा लिया, वो 600 रुपये का हुआ है, बाकी जो सर्विस हुई है वो बिल मैंने आपको दिखाई दिया। 6,000 रुपये का मेरा इंजन ऑयल आया था, मेरे को 11,000-12,000 रुपये की जो है अप्रोक्सीमेटली पड़ गई, 4,000 कुछ मैंने इनको दिए हैं, किनको, VW वालों को। ये ना वीडियो पुरानी है, मैं इसको बाद में शूट कर रहा हूँ, मतलब ये वीडियो ना गाइस पुरानी है, मैं इसको एडिट बाद में कर रहा हूँ, तो वो बिल मैंने सारे लगा दिए होंगे, वरना यहाँ पे मैं फोटो लगा देता हूँ बिल की, आप लोग यहाँ देख लेना। तो यही कुछ वीडियो थी गाइस, वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इनका इंजन ऑयल इन्हीं का डलवाते हो ना VW वालों का, तो आपको इतनी महंगी नहीं पड़ेगी भाई, मेरा 6,000 रुपये का खाली इंजन ऑयल वगैरह आ गया, आपकी 6,000-7,000 रुपये में ना पूरी सर्विस हो जाएगी गाड़ी की, अगर आप इनका इंजन ऑयल डलवाते हो तो। बाकी मैंने एक और चीज़ पता करी भाई कि ये लोग ना पहले कैस्ट्रोल का ही इंजन ऑयल यूज़ करते थे, जो VW वाले हैं, ये मेरे को बता रहा था, जो एडवाइज़र था ना वो मेरे को बता रहे थे कि पहले हमारे यहाँ पे भी कैस्ट्रोल का ही आता था, उसके बाद फिर हमने शेल का लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, शेल का भी मैं अपनी और गाड़ियों में शेल का यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कैस्ट्रोल भी अच्छा है, शेल भी अच्छा है। शेल में 020 ग्रेड उस टाइम पर मेरे को अवेलेबल हुआ नहीं, वरना मैं वही ले लेता। चलो कोई बात नहीं, ये भी मेरे को लिक्विड मोली के बराबर ही पड़ा, लिक्विड मोली में मेरे को परफॉर्मेंस ठीक दिखी थी, लेकिन कैस्ट्रोल में मेरे को ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखी है भाई। यही कुछ वीडियो थी गाइस, इस वीडियो देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक देखिए तो बिना लाइक करे मत जाना, और टेलीग्राम पे फॉलो कर लो भाई, टेलीग्राम पे फॉलो करना ही मत भूलना, ढेर सारे पैसा कमाने के लिए टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं अपनी एडवाइस वगैरह जो है सीक्रेट टिप्स भी देता हूँ। तो यही कुछ वीडियो थी गाइस, इस वीडियो देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक देखिए बिना लाइक करे मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय।